तो आप सुन रहे थे सतीश पुनिया। हमलावर नजर आए सरकार पर, और उन्होंने कहा कि जो बार बार कहा जा रहा है कि 75% से ज्यादा वादे पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और साथ ही साथ अलग अलग मुद्दे को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला। आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से लगातार परीक्षाओं में एक के बाद एक नकल की खबरें आ रही हैं, धांधलियों की खबरें आई, उसको देखते हुए अब एसओजी ने अपनी एक अलग तैयारी की है और नकल निरोधक इकाई बनाने की कवायद शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसओजी में नकल निरोधक इकाई के गठन की कवायद शुरू हुई है। परीक्षाओं में पेपर लीक और माफियाओं पर यह कार्रवाई करेगी। पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को इस बाबत प्रस्ताव भी भेजा है। इकाई में नकल रोकने की विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारी विशेषज्ञ शामिल होंगे। नकल गिरोह में शामिल अपराधियों और संदिग्धों के डेटा रखना, सभी जिलों से ऐसे अपराधों के रिकॉर्ड प्राप्त कर विश्लेषण करना, अलग अलग संस्थाओं और एजेंसियों में समन्वय स्थापित करना, अलग अलग नकल गिरोह के अपराधों का अन्वेषण करना इनका मुख्य काम होगा। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर है। विष्णु, कवायद जो है सराहनीय है, लेकिन जिस तरीके से तमाम कोशिशों के बाद पारदर्शिता की कमी हर परीक्षा में नजर आई, क्या लगता है कि ये जो कवायद की गई है उन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर है और आने वाले समय में पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित हो पाएंगी? बिल्कुल अभिनव, ये सही है कि जो रीट मामले में फजीती हुई है पूरे तंत्र की, उसको बाद अब जो 40 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं इस मामले में और आगे भी अभी कई गिरफ्तारियां होनी है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी जो जांच हो रही है वो केवल जो स्थानीय पुलिस है उसके आधार पर, जो अधिकारी है उनके आधार पर की जा रही है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया कि वो इसको बजट में शामिल करें और घोषणा करें कि ये नकल जो निरोधक यूनिट है उनका गठन किया जाए, क्योंकि अभी राज्य सरकार कानून भी लाने जा रही है, नकल निरोधी कानून, तो इसको लेकर इस यूनिट की जो गठन है वो अति आवश्यक बताया गया। और उससे कहा गया है कि अब जो विशेषज्ञ होंगे वो इस यूनिट में शामिल होंगे, जो केवल नकल को किस तरह रोका जा सके, क्योंकि अभी तक जो जांच आई है उसमें सामने आया है कि जो नकल के प्रकार है वो क्या क्या प्रकार है उनको विश्लेषण करेंगे। अन्य राज्यों में कई अपराधी अगर इस तरह के नकल के पकड़े गए हैं, गिरोह पकड़े गए हैं, उनका जो मोटर सॉपेंट्री है उसको तलाश करेंगे। इन तमाम बातों को लेकर ये यूनिट काम करेगी और इसको लेकर जो संसाधन और उपकरण वो बताए गए हैं वो उनको पूर्ति करेगी। जी अभिनव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो जो कवायद शुरू की गई है, उम्मीदें यही है क्योंकि लगातार एक के बाद एक परीक्षाओं में नकल और धांधली की खबरों के बाद जो युवा वर्ग है, जो अभ्यर्थी हैं, वो कहीं ना कहीं हर बार निराश होते थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी पहल जरूर है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।